सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए लुबना को यहां बुला लूं, थोड़े दिन गुजार लेगी मेरे साथ। अम्मी सामिया से तो पूछ लीजिएगा पहले, हो सकता है उसकी सास बुरा मान जाए, और सामिया है ना उसका ख्याल रखने के लिए वहां। सामिया की कौन सा वहां चलती है, उसकी सास पहले ही उसे बे औलादी के ताने देते नहीं थकती थी, अब लुबना के बाद तो उन्हें और मौका मिल जाएगा। अम्मी आप क्यों फिक्र करते हैं, दुआ करें सब ठीक हो जाए और लुबना भी खैर खैरियत से फारिग हो जाए। तुम भी अपने घर लौट जाओ उस तबस्सुम, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। अम्मी मैंने सोच लिया है, अब आप लोगों के साथ जाती होने नहीं दूंगी, ये मेरा अपने आप से वादा है। मैं देखती हूँ कौन है। दरवाजा भी आ रहे हैं भाई, दरवाजा तोड़। अम्मा तुम क्या समझी थी, तुम्हारे पीछे मर जाऊंगी मैं या मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। कहाँ है तुम्हारी अम्मी, बुलाओ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिनों के बाद आई हैं आप, आए बैठे चले। ज्यादा चलितरबाजी करने की जरूरत नहीं है, और हाँ जब तुम यहाँ से मुंह उठाकर चली आई थी तो फिर क्या जरूरत थी अकबर को फोन करके बुलाने की, और यहाँ पर उसके आने से पहले मेला सजा रखा है तुम लोगों ने, और अब बड़े दामाद की छोटे दामाद से बेइज्जती करवाओगे। कोई बेइज्जत नहीं करवा रहा यहाँ किसी को, जिस तरह से अकबर इस घर के दामाद है उसी तरह से अरसलान भी इस घर का दामाद है। हाँ लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अकबर की तरह वो हाथ नहीं फैलाता दूसरों के आगे, और आप तो जानती होंगी कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊपर ही होता है। बस कर दो तबस्सुम, बस एक लफ्ज भी मत बोलना आप, मैं माफी चाहती हूँ, आप चले बैठे। बस कर दो, ज्यादा ड्रामेबाजियां करने की कोई जरूरत नहीं, आप माँ बेटियां सब की सब बदतमीज, बदलिहाज और बदजबान है। खबरदार जो आपने मेरी अम्मी से इस तरह से बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वरना। वैसे तुमसे बुरा इस दुनिया में तो कोई भी नहीं है, और मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे घटिया मुंह लगने की। एक बात याद रखो, अब अगर अकबर को फोन किया ना तो देखना मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ। मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही धमकियां दे रही हैं आप? हाँ, तुम्हारे ही घर में खड़े होकर मैं धमकियां दूंगी, क्या कर लोगी? हाँ बस कर दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, खामोश हो जाए आप लोग, आस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, मैं बेवा औरत हूँ, कुछ तो ख्याल कर। अपनी बेटी का गला दबा दे, यही मसले का हल है और कोई हल नहीं है। जाए यहाँ से, निकले इस घर से, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप अकबर की अम्मी है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 100 मरतबा तो कह चुकी हूँ कि तुमसे बुरा तो कोई भी नहीं है बीबी। औलाद की दूसरी खुशी तो शौहर को दे नहीं पाई, और माल की भी खुशी नसीब नहीं हो पा रही है, तुम लोगों से तो अल्लाह पूछेगा, देख लेना। ये मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को, याद रखना। हाँ लग गई बद्दुआ, जाए 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 यहाँ से। सुने बहन बात, सुने मेरी, खबरदार जो आज के बाद मेरे घर आई। अम्मी आए यहाँ,